नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खाजी कलां थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 3 वर्षीय बच्ची को गोली लगी है। बच्ची को गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। घटना खाजी कलां थाना क्षेत्र के उर्दू स्कूल के पास की है, जहां पर एक ऑटो में एक 3 वर्षीय बच्ची आयुषी खेल रही थी, जिसको गोली लगी है। लोग बताते हैं कि कुछ युवक वहां पर पहले से खड़े थे और खेल खेल में एक फायरिंग भी की, जो गोली उस बच्ची की हथेली में जाकर लग गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। बच्ची को इलाज हेतु निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया है। घटना के बाद से सभी युवक फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। इस मामले की पुष्टि थाना अध्यक्ष ने भी कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में लग गई है। कौन थे आपके जिसे गोली लगी है? मेरा बेटी है। कितने साल की है? 3 साल। एक राउंड गोली चला है क्या? हाँ, एक ही राउंड है। सामने बच्ची कहाँ थी कि गोली लगा है? बच्ची ऑटो में। ऑटो में खेल रही थी। हाँ, एक गोली की घटना कैसे हुई? गोलीबारी की अब सर यहाँ पे एस मेकर उस मेकर रहता है, अगर वगैरह सब लोग लड़का यहाँ पे रहता है, हमेशा 24 घंटा फायरिंग वोडिंग वगैरह सब करते रहता है। मैंने कितना बार भी कंप्लेन किया हूँ तो आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, आए हैं। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई। क्या नाम है आपका? क्या बच्ची का नाम? आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। पिता? हाँ, पिता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।